मध्य प्रदेश का विदिशा जिला और यहाँ की तहसील गंज बासुदा। गंज बासुदा के एक स्कूल को यहाँ के नागरिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। विरोध किस बात का और ये स्कूल कौन सा है, इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक विवादित स्कूल क्यों पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र पर। गंज बासुदा का भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल के विरुद्ध यहाँ के नागरिकों का काफ़ी विरोध है। ताज़ा मामला 9 नवंबर 2023 का है, जब इस विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। इस दौरान किसी बच्चे ने वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा दिया और कुछ बच्चों ने उसका साथ दे दिया। तब यहाँ की प्राचार्य, जिनका नाम रीना बताया जा रहा है, उन्होंने बच्चों को मंच पे बुलाकर पिटाई कर दी और जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। बच्चों की पिटाई के बाद जब वो अपने परिजनों के पास पहुँचे तो उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला घर पे बताया, जिसके बाद बात छात्र संगठनों तक पहुंची और स्थानीय नागरिक एकत्रित होकर इस विद्यालय में चले गए। विद्यालय में विरोध किया कि आखिर जय श्री राम का नारा लगा देने से बच्चों की इतनी पिटाई क्यों मैडम। बात आगे बढ़ी तो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस का अमला भी पहुंचा। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को ये बात बताई और इस स्कूल पर इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बात बढ़ी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विवेक विश्वकर्मा द्वारा ये बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो तक भेजी गई। कानूनगो ने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने एक पत्र विदिशा अधीक्षक के नाम लिखा और उस पत्र में कहा गया कि विद्यालय की जांच हो और जो भी अनियमितता पाई जाती है उस पर कार्रवाई हो। ये सब तो मामला मैंने आपको बताया कि कैसे जब विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो यहाँ की प्राचार्य ने गुस्से में आकर बच्चों को मंच पे बुलाकर उनकी पिटाई कर दी। ये खबर गंज बासुदा की मीडिया की सुर्खियाँ बनी और अगले ही दिन पूरे समाचार पत्रों में ये खबर छपी। खबर बड़ी थी तो ये नेशनल मीडिया में तक जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ आप जाने। आज एक महीना होने को आया है लेकिन विद्यालय पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जांच दल आया था, यहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जांच दल बिना जांच किए ही वापस लौट गया। मामला जय श्री राम का नारा लगाने वाले बच्चों की पिटाई का था, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने बासुदा के एक पत्रकार जिनका नाम गगन दुबे है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन यहाँ के SDM को सौंपा, जिसमें कहा गया कि ये विद्यालय में आकर अभद्रता करता है और धार्मिक उन्माद पैदा करने की प्रयास करते हैं। विद्यालय के स्टाफ ने ये आरोप गगन दुबे पर लगाया ही था कि गगन दुबे ने उसका जवाब अपने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिया। गगन के सहयोग में यहाँ के मीडियाकर्मी और कई संगठन आए और उन्होंने विद्यालय की इस आपत्ति का विरोध जताया। बात यही नहीं रुकी, आसपास के क्षेत्रों से भी गगन के सहयोग में मीडिया संगठन आए और उन्होंने उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की अपील का विरोध जतावा। दरअसल मामला जय श्री राम के नारे का था, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की ओर से इस पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई ताकि जो मामला है उसे भटकाया जा सके। लेकिन शायद ये मामला नगरवासियों की नाक में दम कर रहा था, इसलिए नागरिक अब लगातार बार बार इस विद्यालय का विरोध कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जिन प्राचार्य रीना ने बच्चों को जय श्री राम का नारा लगाने पर
उन्हें मारा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तभी इस विद्यालय के बारे में हम और चिंतन करेंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप बताइए कि आपके ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। इसके बाद हम आपको इस मामले से जुड़ी और भी जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।